कैसे हो भाई? फर्स्टली मेरी कंग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए। थैंक यू थैंक यू। ये सीजन के लिए हाँ बोलने का मकसद क्या था? मेरा तो यही था कि वही जो मेरा एक फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसको दूर करना। और मतलब यही है कि रोहित सर को निराश नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, और बेटर एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ। तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है, और जो पिछले टाइम एक दो तीन कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से, इस बार मैं ट्रॉफी लेके मैं पर्सनली, मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी। आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली, फिजिकली, मेंटली स्पेशली। तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है? एंड इट्स बीन अ व्हाइल, द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज़ बीन स्लीपिंग। तो आई थॉट इट्स टाइम टू वेक, उठो भाई, जागो। सो लिटरली दैट me nothing मैं for the longest of time I just wanted to get back to fitness। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, बिकॉज आई वॉज वैन आई वॉज 17-18 आई वॉज एन एथलीट एट दैट टाइम, और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं। तो मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू सैनिटाइज माई सिस्टम, क्लीन माई बॉडी, और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक। तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफ स्टाइल शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ, वर्कआउट शुरू करूँ, क्लीन ईटिंग, हेल्दी लिविंग। तो एक उस वजह से मैंने एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो। क्या करें अभी, राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट, अभी उल्टा जाता है? तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वर्कआउट शुरू है। लेकिन मेरा मानना ये इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो, आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल। ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला आप नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो, लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ पे जो होना है वही होना है। आई अग्री मतलब मेरे को लाइक सिंस 2011 आई बीन वर्किंग आउट और यू नो फिजिकल हेल्थ फिटनेस जर्नी गाइस। भाई एक साइड बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं। फिजिकल फिटनेस जर्नी हो या एक रूटीन लाइफस्टाइल हो, बट ऑनेस्टली लाइक ही ऑल्सो सेड, जब स्टंट होता है ना, स्टंट अपनी जगह और अपनी लाइफ की प्रेपरेशन अपनी जगह, उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ इन मोस्ट ऑफ द स्टंट्स लिटरली। नहीं, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्विमिंग काम, बॉडी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, तो आपको, जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना। बट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर दो, बट आप सर्वाइव उतनी देर तक नहीं कर रहे हो जितनी देर आप स्विमिंग के साथ। रोहित सर नहीं डूबने देंगे तुमको, डोंट वरी। बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना काफी वो करने के। तो आई थिंक वो जरूरी है, बट वही वो भी है कि आप मेंटली, मेरे को लगता है ये शो ज्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है फिजिकल से ज्यादा, और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई, पता नहीं क्यों इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई। मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के लिए। ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड, मतलब हमें पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं जल्दी। ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में। हमारे तो पंजाब में नहीं सिखाते हैं कुछ नहीं, तो मेरे ग्रैंड फादर ने गोमती नदी में सीखा था। तो मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए। तो चलो, यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया तो मैं बोल दूँ जी, हमने आपका एग्रेशन लेवल, आप यू नो बहुत शॉर्ट टर्म में हाइपर हो जाते हो, तो यहाँ पर आप कितना कंट्रोल करने वाले हो? क्योंकि एक तरफ से रोहित सर का गाइडेंस होगा, एक तरफ से आपको स्टंट करना होगा, तो कितना यू नो अपने आप को मेंटली आप सेट करके जा रहे हो ये चीज़ों के लिए? मैम, मैं कुछ सेट करके नहीं जा रहा हूँ, जो निकलेगा वो रियली निकलेगा, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा मैं वहाँ पे। जैसा मैं हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा।
वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कौन सा टास्क है, कैसे है। मेरा मेन फोकस वही है कि मेरे को जो मेरा मेन फियर है उसको ओवरकम करना है और इस बार ट्रॉफी लेके आनी है। जी मैम, तभी ऑफर हो गया था मेरे को, पर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा क्योंकि मेरे राइट हैंड में भी इंजरी है। मेरे बचपन में मैं स्टंट्स करता था बाइक पे तो मैं गिर गया था, तो होल्डिंग पावर थोड़ा वीक है मेरी राइट हैंड का, और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने रवि दुबे सर से सलाह ली, वो मेरे मतलब जिम में ही आते हैं वैसे भी, उड़ा रही हैं के प्रोड्यूसर, हाँ, तो कहते तू पागल है, तू सोच भी कैसे रहा है कि नहीं करना, मतलब इतना अच्छा शो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और किस्मत वालों को ही नसीब होता है, और तू ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकता, मतलब ये ऐसा शो है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और करण वाही भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था और आज मेरे घर पे दो डॉग्स हैं, तो मैंने कहा भाई इतना ओवरकम हो जाता है क्या। फिर मैंने उनको एक रील भेजी जिसमें वो फेंट बेहोश हो गए, मैं इसका मैं क्या करूँ, कहते बीच बीच में हो भी जाता है। आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक क्यों, लाइक यू नो, लाइक आई थिंक वो काफ़ी क्यों, मतलब क्यों करंट पास कर रहा हूँ मैं, लाइक करंट वाले, लाइक वो आई थिंक ना कभी एक्सपीरियंस पहले किया है शॉक, और ना हाँ लाइक और ना करने का मन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो ना करने वाला ये है। और करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम वाटर स्टंट्स एंड अ कार स्टंट बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई लव वाटर। जी तो पानी का तो तूने बोल दिया, वही मैं बोलने लगा, वो पानी वाला एक मैंने स्टंट देखा था जिसमें ना वो एक उसमें बंद कर देते हैं, वो क्या होता है वो, और हाथ पैर बांध देते हैं और बोलते हैं खोलो जाके भाई। तो कैसे खोलें, तो वो बहुत टफ लग रहा है, और जैसे मैम ने बोला वो कार स्टंट जो है वो बहुत एडवेंचरस सा रहता है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है तो वो बड़ा हीरोइक सा फील होता है। मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, मुझे अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा करो तो मुझे हाइट से भी फोबिया है, और सबको होता है मुझे लगता है, ऐसा नहीं कोई आदमी की 100 फीट पे खड़ा करो और बोलो नीचे कूद जाओ तो किसी को डर ना लगे, 2 मिनट के लिए तो लगता है सबको। डीप वाटर में आप मुझे भेज दो तो डर लगेगा थोड़े टाइम के लिए, आप कीड़े मकौड़े छोड़ दो या यहाँ पे कोई सांप घूमने लगेगा तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी 2 मिनट के लिए, तो वो तो हर किसी का होता है, वो मोमेंटली आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको उस पर काबू पाना है उतने समय के लिए, वो अगर आप कर लो तो आपकी निकल पड़ी। कुछ नहीं, कंटेस्टेंट्स के लिए तो ऑल द बेस्ट यार, सब अपना बेस्ट देने के लिए आए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आई थिंक सब लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो एवरीबॉडी हैज टू गिव देयर बेस्ट शॉट, और फैंस को यही कि देखो सीजन टीआरपी बढ़ाओ और क्या। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस यही है कि एक बार मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रे कर देना कि जीत के आए। इमोशनल गेम तो नहीं है, कहाँ जा रही है, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ओके। इमोशनल के कहने का मतलब आप इमोशनल भी काफी ज्यादा है, तो इमोशनल गेम ना खेले आप, मतलब इमोशनल गेम खेलेंगे। देखो भाई मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहने वाला। थैंक यू भाई, थैंक यू। खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए थैंक यू निमित और शालिन, पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आप दोनों की तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखी नहीं है, मुझे आप बताएं आपको निमृत कुछ अलग लग रही है कि नहीं लग रही बिग बॉस में, अब आपको हमारा रिश्ता भी अलग लगेगा है ना, वो पहले बहुत खूबसूरत थी, अब अद्भुत लग रहे हैं, उल्फत तुम ही हो, आप समझ गए होंगे कि हमारा रिश्ता कैसा है। नहीं नहीं यार, बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा शो है कि वहाँ पे आप बहुत अननेचुरल चीज़ों से गुजरते हो, तो आपके रिएक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी दोस्ती, आपका प्यार भी बहुत अननेचुरल तरीके का हो जाता है। यहाँ पे हम सब साथ हैं और एक ऐसी जर्नी पे हैं जो हम सबके लिए बहुत यूनिक है ना, हमारा जो देश है रोमानिया, जिस कंट्री में जा रहे हैं वो भी आई डोंट थिंक, हाँ मतलब हमारा ही हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको अपना ही बना लेते हैं, तो वो भी हम लोग के लिए नया है, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू वर्सेज मी, दिस इज़ अबाउट
डूइंग थिंग्स एंड हेल्पिंग ईच अदर गाइड द वे, है ना। दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक होती कबड्डी या MMA, है ना, वेर यू फाइट विद ईच अदर, और एक होता रेस वेर यू आर इंडिविजुअली गिविंग योर बेस्ट शॉट। सो दिस शो इज लाइक दैट। सो हम लोग को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई दोस्तियाँ देखेंगे आप, और मेरी और निमृत की एक अलग बॉन्ड देखेंगे आप। प्लीज। Honestly, I don't think I've changed my routine up too much. Everyone knows I've been very physically active. But I think ye game bahut mental hai. You know, 80% mental hoga aur 20% physical. Agar inko conquer nahi kar sakta hai, body follow nahi hoga. So I think it's very important to get your mind in control. Once you're able to conquer that, I think the rest follows. Right. But please tell us, how did you become a part of Patrol in Ladi Peace? What was the process? What was the approach from the makers? To be honest, the show actually came to me 2 years ago. Okay. At English mein poocha. The show actually came to me 2 years ago. At the time, I didn't feel very ready. You know, to be on reality TV, it takes a lot. You're put in a very, very vulnerable position. You know, you show your good, bad, ugly, all of it. So fast forward 2 years later, I'm in a much more secure position in my life. I feel a lot more confident. I think everything has its right timing, and I believe this is my right time. And she's lying. There is nothing ugly about her. I mean, I truly appreciate if she sees us as some sort of competition, for sure. But you know, I think, like Charlene said, it's really you versus you, right? And मुझे ऐसा लगता है कि उसी mindset के साथ आना बहुत ज़रूरी है. It is definitely more of a mental game. You could have good days, you could have bad days. Plus, I feel कि इस show में शायद horse pigeon होना बहुत ज़रूरी है. You know, you at least what I'm thinking is that I need to give my 100% every day. And I do believe that your mindset and everything you want to achieve comes from consistency. So agar hum consistently, you know, roz apna best dete jayenge, to obviously we should be at the end of it, you know, towards the end, and we should feel proud of what we have achieved. But yeah, thanks to Shilpa for, you know, really pumping that. I take that like as a compliment. I mean, thank you. You know, it's very motivating to hear that. But I think ye bahut ajeeb experience hoga sabke liye, bahut naya experience hai sabke liye. So, you know, more than being each other's competitors, at the end of the day, yes, everyone wants to win. But more than that, we're all experiencing this together for the first time, you know. So I'm looking forward to just, you know, helping Shilpa and being her support system through this as well. I think Khatro mera brand ko perfectly fit karte. You know, main bahut specific hu. Jo main choose karti hu, it has to resonate to me, it has to relate to me. And I think Khatro ke khiladi bahut khatarnak hai, aur main bahut excited hu ye challenge ke liye. I love challenges. I welcome them with open arms, and I'm excited to see how far I can push myself. Go ahead. Please. I'm thinking there are so many. But I think tum, you know, main yahan par baith sakte ho, pura list de sakte ho, par jab tum wo environment mein hota hai, tum wahan par hai, bahut alag hota hai. You know, when you're standing 100 feet up in the air looking down. Yeah. I mean, I don't know who's not going to be jittery. 100%. Right? Bilkul fat jayegi. Fat jayegi? Nice, nice. Good. Charlene, aap bataiye, kis cheez se sabse zyada dar lagta hai aapko? नहीं नहीं अभी वो जो आप बोलो अच्छा सही चल रहा है, तुम लोग ही पूछ लो भाई। हाँ कोई फोबिया जो आप बताना चाहेंगे? नहीं अभी पहले बताएंगे, आप बताएं। I think बचपन से heights is something that I've been relatively like not comfortable with. So I am pretty sure Rohit sir जब चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि क्या कर रही हो निमृत, I think I'll eventually just like warm up to the idea of it. But like Krishna said, I think ये सोचना कि अरे ये लगता है और एक्चुअली उस मोमेंट में क्या फील होता है इज़ वेरी डिफरेंट.
बट आई थिंक ऑलरेडी ऑल ऑफ अस, हम लोग शायद सब मेंटली स्ट्रांग है बिकॉज हम सबको पता है कि ये शो ईजी नहीं है. एंड टू इवन हैव द करेज टू से येस टू अ शो लाइक दिस, इट टेक्स गट्स. एंड आई थिंक ऑल 14 ऑफ अस हैव दैट इन अस. यार मैम, आपने बिग बॉस के बाद काफी बड़ा ब्रेक लिया है. हाँ. क्या मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको या इसके कारण कुछ अगर आप वो मेरा वेट कर रही थी कि दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे साथ ही में करेंगे. पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, जस्ट बिकॉज लोग रैंडमली, मतलब मैं हर रेड कार्पेट पे नहीं देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ऑन अ ब्रेक. Right? As an actor, at least I feed off from the energy that I am not a celebrity. I want to be known as an actor. For me, my craft is worship. So if I decide to take some time to build myself with what I bring to the table, that's just a very natural course of action which many actors do, right? So I don't believe in aimlessly walking around wearing gowns in a carpet with no purpose at all. That's not my personality. सब तो बस यही बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, मजे कर रहे हैं. आप बोले नहीं सही ना, प्लीज मुझे दोनों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है. यू नो, अरे इतनी सुंदर लड़कियां बोल रही हैं, आप बोलो. जितना टिप्स लोग देते हैं वो काफी नहीं है. यू नो, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है. आई थिंक जितना मैं इनके बारे में कम सोचती हूँ मेरे लिए बेटर होगा. बिकॉज अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ और प्लान पूरा अलग होता है, तो इट विल बी हार्डर फॉर मी, यू नो, टू स्टे ऑन ट्रैक. मुझसे आप ही बने ना वो मंक. आई थिंक हम सब, जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में, टच वुड, वो वैसे ही बनी रहे. एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपने टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे. और जब हम साथ में कम्पीट कर रहे होंगे, देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे. आपने प्रिपरेशन क्या किया, क्वेश्चन था. प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशन करते रहते हो. एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी. तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं जिम्स करता हूँ. तो बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज इट हैज़ लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ. तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है. ऑल्सो मुझे मुझे लगता है कि यू नो, खतरों में जिस तरह के स्टंट्स हम फेस करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते. आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है. अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए. बट एनी तो घर कूद के जाता हूं ऐसे वापस. अच्छा, लिफ्ट. आई विल सी दैट. हां अभी देखना. हां वही मैं रोमानिया में. लेकिन पिछले दो महीने से थोड़ा डाइट, खाने और पीने का ध्यान रखा है. ये झूठ बोल रहा है, पिछले 6 महीने से रख रहा है, इसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है. उतार दे. क्या उतारूं? शर्ट. नहीं चलो, वही जाए. हाँ हाँ, लेट्स गो फॉर. अब आपकी बारी. मेरी तो है ही नहीं, मेरी सच में नहीं है. तो फिटनेस में जैसे आई थिंक हम सब ने ध्यान रखा हुआ है, खाने पीने का ध्यान और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना, एंड्योरेंस, उस सब पे 1-2 महीने से ध्यान दिया गया है. मतलब ज़्यादा मेरी तरफ ध्यान से दिया गया है ना. यस, यस. बाकी जैसा झूठ बोल रही, पार्टी कर रही थी 3 दिन पहले. हाँ, तो एंड्योरेंस से पार्टी का क्या लेना देना. एंड्योरेंस से ही पार्टी का लेना देना. नहीं नहीं. और जैसे नियति बोल रही थी, आई थिंक ऐसी कोई प्रेपरेशन हो नहीं सकती. मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें, मगरमच्छ दिखता है यहाँ पे. बाकी तो भगवान मालिक है, क्या होगा. एग्जैक्टली, हनुमान चालीसा डेफिनेटली याद करके रखी है. भगवान के नाम पे आप मेरा वेट थोड़ा कम. आई थिंक एज नियति सेड दैट, ऐसे हम लोग रियल लाइफ में तो चीज़ें कितनी सारी होती है जो फेस नहीं करते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा और किन किन चीज़ों से डर लगता है और कितना डर लगता है. और इससे भी फोबिया था, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, और अब उसको ओवरकम करना है. सो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जो डर है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया का है, बाकी सब मैनेज हो जाना चाहिए. थोड़ा सा मतलब एक छेद हो डब्बे के अंदर, लाइट आ रही है, उतना सब ठीक है. उतना ठीक है. अच्छा, बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, किस किस को एक मिनट आप ले लो. हाँ चलो.
मेरे को अरेक्नोफोबिया है, विच इज़ द फियर ऑफ रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स और हाइपरट्रोपोफिया, सांप और ऐसी चीज़ें हैं. बेसिकली जानवरों से डर लगता है. बाकी तो कूदा लो कहीं से भी मेरे को, और डुबा दो कहीं पे भी, बच के आ जाऊंगा मुझे लगता है. बाकी कलर्स टीम और एंड वाला प्रॉमिस किया है कि मरने नहीं देंगे, तो ठीक है. बाकी सब मुझे पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना है, ये सब वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, जैसा मेरा चेहरा अभी आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है. तो पप्पू मैकेनिक के साथ चाबियां अभी से बनवा जाते हैं हम. बट वो मुझे पानी में सांस लेना तो नहीं सिखा रहा. पानी में सांस तो कोई नहीं ले सकता. एग्जैक्टली माय पॉइंट. ट्रू. मैक्सिमम टाइम आप कितना रोक सकते हैं. कितना रोक सकते हैं यार. मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा पानी को लेकर यार. जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं, क्या मछलियां पानी देख पाती हैं? ये टेक्निकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. आप फोबिया बताओ पहले. मेरा फोबिया हर चीज से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं हर चीज से मेरी फटती है. एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आके मुझे ढप्पा भी कर देगा, मेरी फट जाएगी. That's a very honest reaction I have. But then after that, what happens is I like facing it. So let's face it there. खतरों के खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है. True. और हमने इसे नहीं चुना है, इसने हमें चुना है. राइट. मैं आई माइट बी टॉकिंग रॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी एल्स, बट आई एम सिंसियरली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम रियली ओब्लाइज्ड, ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे चुना है एंड ये अपॉर्चुनिटी दी है. एंड लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. बस आई थिंक जो चीज़ मतलब सही वक्त पे सही चीज़ होती है, एंड ये हमारा वक्त है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ है. ये वक्त हमारा. ट्रू ट्रू ट्रू. इस बार रोमानिया में हो रहा है, केप टाउन में नहीं हो रहा है. पूछ तो ऐसे रहो जैसे हम लोग रोज केप टाउन से आना जाना हमारा. हैं आप तो इस बार आपकी मेट्रो अलग जा रही है. पर इस बार रोमानिया में हो रहा है तो हमें रोमानिया का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, यू नो. और लकीली रोमानिया में भी गर्मी है, तो गुड फॉर अस. 11 डिग्री है अभी. मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है. हाँ, but at least room temperature wine वहाँ की अलग होती है, हमारी अलग है. It's better than you know other countries. At least it's going to be better for us. You know, अगर ज़्यादा ठंड होगी तो ज़्यादा problem होगी. Ignorance is bliss. How ignorance? तो गर्मी है. गर्मी in the sense it's going to be pleasant is what I'm saying. 40 degree से तो better है ना यार. That's what she's trying. Yeah, this ha see. Thank you. पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 degree पे तो better ही होगा. हाँ, माइनस डिग्री से तो बेटर ही होगा. आप सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन सा रहा है, ऑल सीजंस के अगर मैं बात करूँ? यार मेरे तीन रहे हैं, भारती, पुनीत एंड डीनो. क्योंकि तीनों बहुत ही रियल, ऑर्गेनिक, एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े. लाइक डीनो हैज बिन रियल एंड रॉ, whereas if you talk about Puneet, तो Puneet has been very statistically drawn towards a task. भारती, हम सब कैसे हैं ना, फट रही है तो फट रही है मगर खेलेंगे, कोई बात नहीं, कर वो मैं कर लूँगी. तो या वेरी रियल एंड रॉ. मुझे डीनो डेफिनेटली, ही परफॉर्म सो वेल. अर्जित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका बहुत मेजर फियर था हाइट का, उसने वो ओवरकम किया. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. या काफ़ी बार. एंड दिव्यांका त्रिपाठी, शी हैज़ परफॉर्म्ड बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए, यू नो, जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत थी और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे. मैंने कोई सीजन नहीं देखा, थोड़े बहुत इधर उधर के स्टंट्स देखे हैं. बट अगर फ्रेंड्स, हाँ, वाही का देखा था मैंने एक आधा एपिसोड, रवि का देखा हुआ है, बट जस्ट 2-3 स्टंट्स एज शी सेड. नॉट, आई हैव नॉट फॉलोड दिस सीजन. आई थिंक फियर फैक्टर जब पहला आया था फॉरेन वाला, वो देखा था मैंने थोड़ा, बट अदरवाइज आई हैव नॉट रियली फॉलोड दिस सीजन. अभी बता दो ताकि वही वो देंगे. हाँ, exactly. ऐसा होता है, रोहित सर पहले पूछते हैं कि कौन सा स्टंट किस चीज से आप लोगों को डर लगता है, फिर वो आपके सामने रखते हैं. तो ऐसा
तो हम उल्टा करेंगे ना अभी हाँ। हम बताएंगे वो स्टंट जो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है यार मैं कैसे और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं तो जानवरों का कोई भी स्टंट होगा मैं यूं कर लूंगा हाँ, हाइट पे मत डालना और क्या और गाड़ी में चलवाना मुझसे हाँ, गाड़ी में चलवाना मुझे हाँ, बहुत ऐसे से होता है तो रोहित सर सुन रहे हो ना आप प्लीज सर बहुत रुलाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज़ पता चलेगी अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं एंड आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो या आप बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉक किया और पता चलेगा हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है यू कांट जज दैट जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस ना देखो क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी सो यू नेवर नो ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है किसी के कुछ फोबियाज होते हैं सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है ट्रू नहीं अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर रहे होंगे सब लेकिन अब इनकी बातें सुन के मुझे इन दोनों से डर लग रहा है थोड़ा ये पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं क्या होगा वहाँ जाके बताएंगे